Hello everyone, myself Chaudhary Shabeena. Let's continue with the chapter Force and Pressure. Dear students, आज का topic है inertia. अब बच्चों inertia क्या होता है? Inertia का मतलब होता है to do nothing या फिर to remain unchanged. जिस state में हम है हमें उसी state में रहना पसंद है, या फिर कोई object है जो rest पे तो उसे rest पे रहना है, जो object motion में उसे motion में ही रहना पसंद है. ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स दिए हुए हमारे टेक्स्ट बुक में. तो पहला पॉइंट है टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज. कुछ भी करना पसंद नहीं है, जिस स्टेट में है उसी में रहना पसंद है. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज इट वांट टू कंटिन्यू इट एग्जिस्टिंग स्टेट. बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे मोशन में ही रहना है. ठीक है, उसको नहीं जाना रेस्ट पे. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसे रेस्ट पे रहना, उसे नहीं जाना मोशन में. ठीक है, कोई बच्चा है वो बॉल को किक कर दिया, या फिर हम गए हमने बॉल को किक कर दिया, हमने बॉल को किक किया तो बॉल रेस्ट पे था, उसको रेस्ट पे ही रहना था. ठीक है, बट जैसे ही बॉल को किक किया वैसे क्या हुआ, बॉल मोशन में आ गया. अब मोशन में आने के बाद बॉल को चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जो उसका स्टेट है मोशन, उसे उसमें ही रहना है. अब कोई मत रोको उसको, उसकी तो ख्वाहिश यही है, बट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसे फिर रोक देगा. जैसे उसको रोक देगा तो अब उसकी क्या हो जाएगा कि मुझे अभी रेस्ट पे रहना है. तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट होता है हमें उसी में रहना. वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स. अब बच्चों जो ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करते हैं वो मजबूरी की वजह से करते हैं. क्यों, कौन सी मजबूरी, उनके ऊपर फोर्स आ जाता है, फोर्स एक्ट करता है, इसलिए वो अपना एग्जिस्टिंग स्टेट छोड़ते हैं. कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्यों रोल कर रहा है, क्योंकि किसी ने उसको किक किया. ठीक है, अब एक बच्चे ने एक बॉल को किक किया, अब वो बॉल क्या हो रहा है, रोल कर रहा है. ठीक है, रोल कर रहा है क्योंकि अब इसको मोशन में आ गया, अब इसको मोशन में ही रहना है. बट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करके क्या करेगा, बॉल एक पॉइंट के बाद में रुक जाएगा, या फिर कोई बच्चा आके, या फिर वही बच्चा भाग के जाके इस बॉल को रोक दे, या फिर कोई और. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो क्या होगा, वो बॉल रुक जाएगा. तो अब ये जब बॉल वापस से रुक गया है तो अब ये बॉल चाहता है कि अब मैं रेस्ट पे रहूं. ठीक है, अब इसको मोशन में जाने का कोई शौक नहीं है. जब ये मोशन में था तो इसको सिर्फ मोशन करना था, इसको शौक नहीं था कि ये जाके रेस्ट करे. अब ये रेस्ट पे तो इसको क्या करना, अपने एग्जिस्टिंग स्टेट में ही रहना, चेंज नहीं करना, जो स्टेट में है उसी में रहना पसंद करते, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स. जैसे मैंने बताया फोर्स अप्लाई होता है तभी वो अपना स्टेट चेंज करते, नहीं तो उनको स्टेट चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज. अगर फोर्स ना लगा तो, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा, ठीक है, उस बॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लगा, वो अब मोशन में ही रह जाएगा. ठीक है, अगर फोर्स नहीं लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में और वो मोशन में, तो वो मोशन में ही रह जाएगा अगर वो रेस्ट पे है. ठीक है, ग्राउंड है, रेस्ट पे है, ना हवा चल रही है, ना कोई आया, ना कोई फ्रिक्शन, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब क्या होगा, वो बॉल जो है वैसे का वैसा ही रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा अपना स्टेट. ठीक है, अगर फिर कोई आके फोर्स अप्लाई करता तो फिर वो अपना स्टेट चेंज करेगा और फिर क्या चाहेगा कि मैं मोशन में आ गया तो मोशन में रहूँ. जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उन्हें मोशन में रहना पसंद है, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उन्हें रेस्ट पे रहना पसंद है. दैट्स इट, यही मतलब है हमारे इनर्शिया का. फॉर एग्जाम्पल इफ यू किक अ बॉल इट विल कंटिन्यू टू रोल अनलेस फ्रिक्शन और एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है उसने बॉल को किक किया, या फिर हम गए हमने बॉल को किक किया तो बॉल मोशन में आ जाएगा. ठीक है, मजबूरी में बेचारा मोशन में आएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया. तो जैसे ही वो मोशन में आएगा वो अब चाहेगा कि मैं मोशन में रहूँ, बट जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करेगा, उसको रोक देगा. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, रेजिस्टिंग ऑफ मोशन, या फिर रेजिस्टिविटी पैदा करता है किस में, मोशन में. और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, मतलब है टू स्टॉप, वो मोशन को स्टॉप करता है. क्या करता है, मोशन को स्टॉप करता है हमारा फ्रिक्शनल.